अखिलेश के करीबियों पर सरकार की गाज। जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी कहे जाने वाले लखनऊ के जैनेन्द्र यादव, मैनपुरी के मनोज यादव और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय के घर आज इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। बताया जा रहा है कि आयकर अधिकारी 12 गाड़ियों के काफिले लेकर सभी के घर पहुंचे और इनकम टैक्स विभाग की टीम घर के चप्पे चप्पे को खंगाल रही थी। जहां जहां विभाग की टीम कार्रवाई कर रही थी उन घरों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया था, लिहाजा किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। धड़ाधड़ छापे की कार्रवाई के तहत आज सुबह मऊ में टीम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पहुंची। इस दौरान करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक टीम ने उनके घर पर छापेमार की कार्रवाई की। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस भी तैनात की गई। आपको बता दें कि छापे की कार्रवाई के दौरान सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय को घर में ही नजरबंद भी कर दिया गया। आपको बता दें कि सुबह करीब 7 बजे इनकम टैक्स विभाग की टीम शहर कोतवाली के शहादतपुरा में राजीव राय के घर पहुंची और जैसे ही इसकी भनक सपा कार्यकर्ताओं को लगी वो राजीव राय के घर के बाहर जमा होने लगे। कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और इसके बाद मौके पर पुलिस बुलाई गई और इनकम टैक्स की टीम वाराणसी से मऊ पहुंची। तो ऐसे में आपको बता दें आज उत्तर प्रदेश में ये आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। यूपी में आपको बता दें ये छापेमारी की गई है। 12 गाड़ियों से आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे, साथ ही सपा के फाइनेंसर्स पर ये छापेमारी की जा रही है। सभी जिनके घर पर छापेमारी हुई है सभी अखिलेश के करीबी बताए जा रहे हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं पर इनकम टैक्स का ये छापा पड़ा है और लखनऊ में जैनेन्द्र यादव के घर टीम पहुंची। वहीं मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में मनोज यादव के घर पर छापेमारी हुई है। साथ ही मऊ में राजीव राय के घर के बाहर भी समर्थकों की भीड़ देखी गई। जब छापेमारी हुई तो उनके घर के बाहर समर्थक भारी संख्या में जुट गए, जिसके बाद भारी पुलिस बल को भी वहां पर तैनात करना पड़ा। तो आज उत्तर प्रदेश में ये बड़ी हलचल देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि अखिलेश के सभी करीबी बताए जा रहे हैं नेता जिनके घर पर यह आयकर विभाग की टीम सुबह सुबह पहुंची। आपको बता दें सुबह 7 बजे टीम वहां पर पहुंची और सभी करीबियों के घर पर यह छापेमारी की गई है। तो ऐसे में आपको बता दें लगातार अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव से पहले ये जानबूझकर कार्रवाई की गई है और अभी तो ईडी सीबीआई भी आएगी, यानी कि पहले से ही ये तैयारी थी, ये कहने की कोशिश यहाँ पर अखिलेश यादव कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि बीजेपी सरकार भेदभाव से कार्रवाई करती है। तो 4 जिलों में ये आयकर विभाग की टीम पहुंची, जहां पर कई नेताओं के घर पर छापेमारी की गई है। साथ ही आपको बता दें जानकारी ये भी मिल रही है कि इस लिस्ट में जिन नेताओं के घर पर छापेमारी की जानी है इसमें कुछ और लोगों के नाम भी शामिल हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी से कुछ और नेताओं के नाम भी शामिल हैं और 1 दर्जन के करीब नाम इस लिस्ट में हैं जिनके घर पर छापेमारी हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि मैनपुरी, आगरा, मऊ और लखनऊ में ये छापेमारी हुई है। मैनपुरी में आपको बता दें मनोज यादव के घर पर, ये बड़े कारोबारी बताए जाते हैं लखनऊ के, उनके घर पर छापेमारी हुई है। साथ ही आपको लखनऊ में बता दें जैनेन्द्र यादव हैं, ये अखिलेश के ओएसडी भी रह चुके हैं, उनके घर पर भी सुबह सुबह आयकर विभाग की टीम पहुंची। और उसके साथ मऊ की बात करें तो मऊ से ये सपा प्रवक्ता राजीव राय हैं, इनके बारे में अगर बताया जाए तो ये मेडिकल कॉलेज इनके दुबई और बेंगलुरु में है, ये जानकारी मिली है। साथ ही आपको बता दें कई दस्तावेज भी अब सामने आ चुके हैं और ऐसे में अब इंतज़ार है कि कब जानकारी और ज़्यादा मिल पाएगी कि आखिर इस छापेमारी में क्या क्या जो है अब खुलासा होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन आज सुबह से उत्तर प्रदेश में बड़ी ये हलचल देखी जा रही है, क्योंकि सुबह सुबह आयकर विभाग की टीम कई समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर पर पहुंची थी। तो आपको बता दें कि आज सुबह करीब 7 बजे के
समय था जब आयकर विभाग की टीम अलग अलग जगहों पर पहुंची और ऐसे में कई नेताओं के घर पर ये ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। साथ ही आपको बता दें मऊ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जब राजीव राय के घर ये टीम पहुंची, छापेमारी की बात बाहर निकली तो वहां पर सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा हो गई। हंगामा करना सपा कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से टीम छापेमारी करती हुई नजर आई। साथ ही आपको बता दें कि मऊ से जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजीव राय, उनके घर में नजर बंद भी कर दिया गया। तो ऐसे में प्रतिक्रियाएं भी अब नजर आने लगी हैं। अखिलेश यादव की तरफ से बयान भी आ गया है। साथ ही आपको बता दें सपा नेता मनोज यादव यहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी और गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ से हमारे संवाददाता शुभम पांडे भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनोज जी आपके पास आना चाहूंगी मैं, क्या कहेंगे आज ये लगातार जो ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है आपके नेताओं पर? देखिए, ये पहले से समाजवादी पार्टी को आभास था कि बीजेपी इस तरह का कृत्य करेगी और वो कोई समाजवादी पार्टी पे ही ईडी के छापे नहीं पड़े, जिन जिन स्टेटों में चुनाव हुआ है और चुनाव से ठीक पहले, या किसी तरीके के या कोरोना की तरह ये बीमारी है कि चुनाव से पहले ईडी के छापे पड़ने ही चाहिए। आप महाराष्ट्र का उठा के देख लीजिए, पश्चिम बंगाल का उठा के देख लीजिए, मध्य प्रदेश का उठा के देख लीजिए, जहां जहां भी चुनाव होता है ईडी सीबीआई और आईटी के इस तरह के सारे छापे पड़ते हैं। और पड़ने का कारण है बीजेपी जब डरने लगती है, जब बीजेपी घबराने लगती है तो उसके पास दिखाने बताने को जताने को कुछ नहीं रहता जनता को, तो फिर वो ध्यान भटकाने के लिए कि जनता में डिबेट जो हो विपक्ष के द्वारा इन सारी चीजों पे हो। लेकिन फिर भी मैं आज के दिनों बड़ी ईमानदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं कि हमारा आज का मुद्दा उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, हमारा आज का मुद्दा उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है, हमारा आज का मुद्दा उत्तर प्रदेश में जो महंगाई है और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ अत्याचार है, ये सारे मुद्दे हमारे हैं और हम इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। आप ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो और जो तुम्हारे पास ईडी टीडी पीडी जो कुछ भी है सब भेज दो। समाजवादी पार्टी डरने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि ना हमने, आपने 5.5 साल कंप्लीट हो गए, आपने हमारी सारी योजनाओं की जांच करा ली, क्या मिला? कुछ भी तो नहीं आया ना। एक्सप्रेसवे की जांच करा ली, मनोज जी वो तो अभी पता चल जाएगा कि क्या सामने आया है क्या नहीं आया है, वो तो अभी पता चलेगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या जानकारी मिलेगी। गौरव मिश्रा आप सुन रहे थे क्या मनोज यादव क्या कह रहे हैं कि घबराने लगी है बीजेपी और इसीलिए इस तरह के छापे कराए पड़वाए जा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इन छापों को राजनीतिक दृष्टि से देखना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जो इस प्रकार के लोग होते हैं, जो बहुत सक्षम होते हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक हेराफेरी में लिप्त रहते हैं, उनकी जानकारी जब एजेंसीज को मिलती है तभी इस तरह की कार्यवाही होती है। अब ये संयोग कहिए या सुयोग कहिए कि समाजवादी पार्टी के ही लोग इतने सक्षम है, इतने ताकतवर है, जो इतने बड़े आर्थिक साम्राज्य को चला रहे हैं और जिसकी सूचना जो है प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से विभागों को नहीं पहुंच पा रही है, और उसको राजनीतिक रंग देना। और समाजवादी पार्टी कब भय में रहती है? वो तो डराने में विश्वास करती है, वो तो भय के साम्राज्य में विश्वास करती है। इसलिए समाजवादी पार्टियों के साथ ये तो साथ साफ साफ स्थापित है कि समाज भयग्रस्त रहे, आर्थिक अपराध चरम पर रहे, ये इस प्रकार का कृत्य करने में समाजवादी वरदहस्त है। और मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रंग देने की आवश्यकता है। और अभी रिपोर्ट भी नहीं, गौरव जी अगर चुनाव से पहले इतनी बड़ी छापेमारी की जाएगी तो फिर रंग तो दिया ही जाएगा इसे राजनीतिक? नहीं, चुनाव के पहले क्या सारी एजेंसी काम करना बंद कर दें? चुनाव आते जाते रहते हैं, ये एक रूटीन प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहती है। चुनाव आएंगे जाएंगे, चुनाव के बाद भी इस तरह की प्रक्रिया होगी। जरूरी थोड़ी है कि केवल समाजवादी पार्टी के ही नेता, क्या किसी क्या भी हो सकती है। कोई इस प्रकार का कार्य करेगा उसके यहाँ कार्यवाही होगी, चाहे वो जिस दल से संबंधित हो। गौरव जी, लेकिन अखिलेश यादव अब कह रहे हैं कि ये तो अभी आयकर विभाग की छापेमारी हुई है, अभी तो ईडी और सीबीआई भी आएगी, तो इसका उनको अंदाजा होगा, कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदाजा होगा कि जैसा किए होंगे उस तरह की एजेंसी उनके यहाँ आएंगी। इसको राजनीतिक रंग दे करके अपने किए हुए कामों पर पानी फेरना, ये तो कोई उनसे सीखे।
ठीक है गौरव जी, मनोज यादव यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए मनोज जी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के OSD हैं जनेंद्र यादव जी, जी उनके यहाँ छापा पड़ा है, राजीव राज जी के यहाँ पड़ा है। तो मैं बीजेपी के नेता को के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से आगाह किए दे रहा हूँ, बल्लू राय मुख्यमंत्री के OSD हैं और जो आपके महासचिव हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के, जहां जहां जो जो पैसा आ रहा है जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि समाजवादियों को कुछ पता नहीं है। आपसे ज्यादा हमने उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई है, आपसे ज्यादा हमें उत्तर प्रदेश का एक एक सिस्टम पता है। सब अपनी अपनी तैयारी कर लेना, अभी तक तो चिलम ढूंढने की बात थी, सिर्फ चिलम ढूंढेंगे, अब वो छापे पड़ेंगे जो 2022 के बाद आपको शायद सुकून चैन दोनों छिन जाएगा। क्योंकि आप राजनीतिक जो नाम ले रहे हो कि राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, तो जिस राज्य में चुनाव होता है वहीं पे आपके छापे ईडी वाले चले जाते हैं। पागल वागल हो गए हैं क्या ईडी वाले लोग? उनको समझ नहीं है कि चुनाव से पहले ही छापे मारे जाते हैं, पहले ही तो छापे मारने चाहिए। 5 साल से क्या चिलम पी के बैठे थे ईडी वाले? किसके चरणों में चिलम पी रहे हैं जो उनको होश नहीं आता? जब चुनाव आता है तभी उनके ईडी के छापे मारने शुरू होते हैं। इसलिए बल्लू राय और आपके जो महासचिव हैं बंसल जी, सबसे अलर्ट कर दीजिएगा उनको, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। इस बात को याद रखिएगा गौरव मिश्रा जी, आप भी और आपके पार्टी के लीडर भी। मोदी जी सदैव नहीं रहेंगे, हम आपको फिर बता रहे हैं, मोदी जी सदैव नहीं रहेंगे, नरेंद्र मोदी सदैव नहीं रहेंगे, हम इसीलिए आपको कह रहे हैं। हाँ धमका नहीं रहा है, आप डरा रहे हो, हम डरेंगे नहीं। सुनो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो, करने की बात कर रहे हैं, ताल ठोक के चुनाव लड़ेंगे। अरे दम बुखार के चुनाव लड़ेंगे। मनोज जी और गौरव जी, योगी आदित्यनाथ से नहीं करते हम, नरेंद्र मोदी से नहीं करते। मनोज जी और गौरव जी, एक एक कर अपनी बात रखिए, एक एक कर बात रखिए। मैं कह रहा हूँ कि आप हमको डराने की कोशिश कर रहे हो, हम डर नहीं रहे हैं। नहीं मनोज जी, आप डर नहीं रहे, लेकिन आप भी तो अभी धमकाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। बाबा की जमीनें खरीदी जा रही है, मनोज जी जमीनें गोरखपुर में अवैध कब्जे कर रहा है, याद रखना। और 2022 में मनोज जी खदेड़ा करेंगे, बाबा योगी आदित्यनाथ जो जमीनें कब्जा कर रहे हैं ना, और जो जमीनें खरीद रहे हैं वो कहां से पैसा आ रहा है, उसकी जानकारी भी आपको देनी पड़ेगी। मनोज जी गोरखपुर में जो कब्जा कर रहा है, जानकारी आप लेके रखिए, सब मिलेगी, सब देना पड़ेगा आपको। मनोज जी और गौरव जी, एक एक कर अपनी बात रखिए, खदेड़ा होके रहेगा। ठीक है, वो तो 22 में पता चल जाएगा उत्तर प्रदेश में क्या होगा। लेकिन देखिए गौरव जी, लगातार जो बात अब ये छापेमारी हो रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ लोगों की तरफ से ऐसी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी जो गठबंधन कर रही है और छोटे छोटे दलों को साथ ला रही है, उससे बीजेपी डरी हुई है और इसीलिए इस तरह का एक्शन लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर रुपयों के लेन देन का भी विषय संभव है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान को और रुपए के लेन-देन की बात कर रहा है, बीच में मत बोलिए। मनोज जी पहले सुन लीजिए, मनोज जी होती है कि जब कोई बोलता है तो बीच में जरूर बोलेंगे, टोकेंगे जरूर। देखिए आप, आर्थिक अपराध, आर्थिक लूट कैसे किया जाता है, वो समाजवादी सरकार में कोई चीज छुपा हुआ नहीं है। इनका कार्यकर्ता भी पार्टनरशिप करता है सरकार की योजनाओं में, बड़े पैमाने पर रातों रात वो व्हाइट हाउस का मालिक बन जाता है। तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, एक बलात्कारी भी मंत्री बन जाता है समाजवादी पार्टी में, अपराध सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के सरकार में। और एक तड़ी पार गृह मंत्री बन जाता है भारत का, 2022 में भी, 2022 में भी मंत्री बन जाता है उत्तर प्रदेश का, उसके लिए आश्वस्त है हम लोग। और हिंदुओं पर गोली चलवाने वाला देश प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है, राम भक्तों पर गोली चली होती तो एफआईआर दर्ज होता, राम भक्तों पर दंगाइयों पे गोली चलती है, जो दंगाई है उन पे गोली चलती है, जो मजदूरों पर डाला में गोली चलवाता है वो मुख्यमंत्री, जो दंगाइयों पर गोली चलती है वो कानून चलवाता है। अरे पढ़े लिखे हो गौरव मिश्रा, मनोज जी पहले सुन लीजिए, मनोज जी समय मिलेगा आपको, बोलिए गौरव जी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि समाजवादी पार्टी जिस संस्कारों से आई है वही संस्कार टीवी पे भी परोसती है, और ये जनता बुरी तरह से समाजवादियों के इस लाल आतंक से ग्रसित रही है, जिसका कारण है कि समाजवादियों को हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया। हर प्रकार के जितने कुत्सित सामाजिक प्रयोग होते हैं वो समाजवादी पार्टी करती है, और 2022 में जनता फिर उनको जवाब देगी। इसलिए हम आश्वस्त हैं, ये कुछ भी कर ले, जो ये अपराध कर रहे हैं, जो कृत्य कर रहे हैं, जो कार्यवाही हो रही है वो एजेंसी कर रही है, जो करेगा वो भुगतेगा।
चलिए ठीक है, मनोज जी और गौरव जी आपके पास आऊंगे। यहाँ पर लगातार लखनऊ से हमारे संवाददाता शुभम पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, देखिए अभी चार जगह पर ये आयकर विभाग की छापेमारी हुई है और कई नेताओं के नाम शामिल हैं। ऐसे में देखिए क्या ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ और नेता भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं जिनके घर पर छापेमारी पड़ सकती है? शुभम आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, शुभम से दोबारा से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, शायद कुछ ऑडियो में परेशानी है। मनोज यादव जी, जानकारी ये भी मिल रही है कि अभी लिस्ट में एक दर्जन नेता और हैं समाजवादी पार्टी के जिनके घर पर छापेमारी होनी है। देखिए एक दर्जन नहीं, हमारे ख्याल से दो दर्जन होंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार उस हर व्यक्ति के घर छापे मार रही जो इनसे सवाल पूछ रहे हैं या जिससे ये डर रहे हैं। भारत समाचार याद है आपको? भारत समाचार बीजेपी से सवाल पूछता था, क्या हुआ? भारत समाचार के यहाँ छापे पड़ गए, कुछ नहीं मिला। इसी तरह दूसरा जो पेपर था उस पे छापे पड़ गए, अगर उसने सरकार के खिलाफ कुछ लिख दिया। अगर कोई पत्रकार सवाल पूछ लेता है तो उसको गाली देके, इनके केंद्रीय गृह मंत्री किस तरीके से गाली देते हैं उसको और धक्का देते हैं, ये भी किसी से नहीं छुपा, सारे वीडियो सामने हैं। इसी तरह अगर कोई इनकी खबर दिखा दे कि ये क्या बच्चों को दे रहे हैं तो उस पर FIR हो जाती है। तो ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए, जनता को ये बात पूरी तरीके से पता चल चुकी है कि बीजेपी जब घबराती है तो ईडी को, CBI को और तमाम सारी जांच एजेंसियों को सामने करती है। लेकिन अभी गौरव मिश्रा जी ने बड़ी बातें कही और उन बातों का जवाब तो मुझे देना पड़ेगा जरूर। आप कहते हैं हिंदुओं पे गोली चली, हिंदुओं पे अगर गोली चली तो FIR होगी, मुलायम सिंह यादव जी के नाम FIR होगी, किस थाने में दर्ज है? अगर नहीं दर्ज है तो आप विज्ञानी हो, आप लोगों को ज्ञान नहीं है, सहूर नहीं है, किस तरीके से? अरे चलो शांत रहो, तो फिर यही तो कर रहा है। आप संविधान को नहीं मानते हो, आप संविधान को नहीं मानते हो। दंगाइयों पे गोली कल भी चली थी, आने वाले भी तुम्हारे चलेगी। दंगे कराते हो उत्तर प्रदेश में? अच्छा, 7,500 से ज्यादा दंगे समाजवादी कालखंड में हुए हैं। चिलम नहीं पीते ना हम, चिलम पी के दंगा नहीं करते ना। सुनो तो हम चिलम नहीं पीते ना, हम नहीं पीते चिलम। मनोज जी जरा सही शब्दों का उपयोग कीजिए। मनोज जी ना, भांग का गोला कौन खाता था? मनोज जी थोड़ा सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल सही सटीक शब्द। नहीं, आप कैसे यहाँ पर ये लड़ने झगड़ने से काम नहीं होगा। गौरव जी पहले सुन लीजिए, गौरव जी जवाब दीजिएगा, पहले सुन लीजिए। मुझे मत बताओ जिन्ना जी भी कौन है। पत्रकार के साथ अडवाणी को गाली मत दो, चुप रहो, अडवाणी जी को गाली मत दो, अडवाणी जी को गाली मत दो। मनोज जी अडवाणी जी को गाली मत दो, उन्होंने चादर चढ़ाई थी जिन्ना की मजार पे, गाली मत दो, प्लीज अनुरोध कर रहा हूँ। वो सम्मानित सम्मानित करता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ ना, उन्होंने जिन्ना की चादर पे चादर चढ़ाई थी मजार पे, तो अडवाणी जी को जिन्ना जी क्यों करो? मत कहो मनोज जी और गौरव जी, मत कहो किताब लिखी थी यशवंत सिंह को, भी मत कुछ कहो किताब लिखी थी जिन्ना पे। अच्छा जिन्ना 40, चीलम 40, इस पे ये लोग नहीं। देखिए अगर हम टॉपिक में बात करेंगे तो ही सही रहेगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मनोज जी और गौरव जी, अगर आप अगर मुझे मेरी बात रखने देंगी और अगर बीजेपी के प्रवक्ता कोई गलत बात कहते हैं, नहीं आप रखिए अपनी बात, बिल्कुल रखिए, लेकिन सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। आप एक पत्रकार हैं, आपने क्यों इंटरप्ट नहीं किया कि मुलायम सिंह यादव ने अगर कुछ गलत किया था तो उनको आप हत्यारा कहो, और हत्यारे हैं तो कानून ने उन्हें कब हत्यारा माना? अगर नहीं माना तो ये आपका धर्म है पत्रकारिता का कि आप बीजेपी के लोगों को टोको, कि आप इस तरह का शब्द क्यों कह सकते हो? हाँ, आपको बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। लेकिन अगर मनोज यादव को कानून कहेगा कि मनोज गलत है, गलत है। हाँ 2022 में भी जनता सिखा रही है। मनोज जी गंदा गंदा कह दूंगा, आप सुन भी नहीं पाओगे, इसलिए आप उतनी बात करो। हम जानते हैं कि आप यही कह सकते हो, गंदा कह दूंगा, आप सुन नहीं पाओगे, हकीकत कह दूंगा, नहीं सुन पाओगे। राजनीति उस मर्यादा को मत मानो, सीखे कहोगे हमारे। सुनो मनोज जी और गौरव जी, अगर इसी तरह से आप यहाँ पर लड़ेंगे तो यहीं पर ये चर्चा खत्म करनी पड़ेगी। अगर इसी तरह से आप दोनों लड़ेंगे और इसी तरह
तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। हमारे कर्म खराब नहीं थे, जिनके कर्म मनोज जी एक बात बताइए, अगर आपके नेता नेता को गलत कहोगे तो जवाब सुनने के लिए मनोज जी अगर आपके नेता गलत नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से आप क्यों भड़क रहे हैं? थोड़ा आराम से बात करिए ना मनोज जी, अगर आपके नेता ठीक है, गलत नहीं है, तो थोड़ा आराम से बात कीजिए। इतना गुस्सा किस बात का है? जनता, अगर कार्यवाही हुई है तो ठीक है, आपके नेता ठीक है, अगर कोई गलत नहीं है, हमें कौन सी गुस्सा है? नहीं, आप देखिए किस तरह से बात कर रहे हैं। मैं तो बीजेपी को इसी तेवर के साथ जवाब देता हूं, गौरव जी को पता होगा बेहतर ढंग से, लेकिन मैं ये पूछता हूं कि चुनाव से पहले ही क्यों छापे, उससे पहले क्यों नहीं करते हो? आप 5 साल से चिलम पी रखे थे क्या? ये कोई झूठ है? फिर देखिए आप उन्हीं शब्दों पर आ रहे हैं। इतना हमें मत डराओ, हम डरते नहीं है। ठीक है मनोज जी और गौरव जी, रुक जाइए जरा मनोज जी और गौरव जी जरा रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, गौरव जी आप भी रुक जाइए। हमारे संवाददाता भी लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं, शुभम पांडे। शुभम, मेरी आवाज मिल रही है क्या अब आपको? जी हाँ बिल्कुल। शुभम बताइए, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरह से ये ताबड़तोड़ कार्रवाई सुबह से की जा रही है, छापेमारी हो रही है, अब कितने और नेता बचे हैं जिनके घर पर छापेमारी होनी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बता दें, आज सुबह से ही जब आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी की गई है, लखनऊ से लेकर के मैनपुरी, आगरा से लेकर के कई जगह पर छापेमारी की गई, उसमें से साफ कह सकते हैं बहुत सारे दस्तावेज जो है खंगाले गए हैं। और साफ अभी जो है, अभी लखनऊ में कुछ समय पहले जो है, कुछ ही देर पहले जो है, 2 मकानों में छापेमारी की गई थी, उसमें जो है कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन और डेस्कटॉप वगैरह, वो बहुत सारी चीजें जो है, दस्तावेज वगैरह कब्जे में मिली जो है आयकर विभाग की टीम ने लिए हैं। और साफ कहा जा सकता है जिस तरीके से छापेमारी की गई है, अखिलेश के जो करीबी बताए जा रहे हैं सभी नेता, उसी के साथ कई और सारे नेता हैं, कह सकते हैं कि एक दर्जन से ज्यादा नेता जो है वहां पर पूरी जो कह सकते हैं लिस्ट एक तैयार है, जिसमें से लगभग एक दर्जन से ज्यादा नेताओं पर जो है कार्रवाई हो सकती है, वहां पर छापे पड़ सकते हैं। और साफ कहा जा सकता है जिस तरीके से जो है छापेमारी की गई है, उसमें जो है काफी संख्या में जो समर्थक है नेताओं के, उन्होंने उसका विरोध प्रदर्शन भी किया है, कह सकते हैं कि वहां पर पुलिस ने उनको वहां से हटाया भी है। साफ कहा जा सकता है नारेबाजी भी हुई है, और जिस तरीके से अब जो छापेमारी की गई है, उसमें जो दस्तावेज खंगाले गए हैं आयकर विभाग की तरफ से, अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसी में सारी चीजें क्लियर होंगी, आखिरकार जो डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं उनमें क्या चीजें थी और क्या दस्तावेज वहां पर मिले हैं और कौन सी चीजें सामने आई। और यानी कि अभी कुछ ज्यादा डिटेल नहीं मिली है शुभम, ज्यादा डिटेल कुछ नहीं मिल पाई है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज यादव, देखिए आप लगातार कह रहे थे कि बीजेपी अब चुनाव से पहले क्यों इस तरह की छापेमारी कर रही है, आपका जिस तरह से गुस्सा देख रही हूं मैं, उससे साफ तौर पर लग रहा है अगर देखिए आपके नेता सही हैं, निर्दोष हैं, कोई नहीं उन्होंने गलत काम किया, तो फिर समर्थकों का गुस्सा क्यों देखा जा रहा है? आप में इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है? थोड़ा संयम से चलिए। नहीं देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। जब किसान आंदोलन बैठता है आंदोलन के लिए, तो क्या उसके यहाँ छापे नहीं पड़ते हैं? क्या किसानों को आतंकवादी नहीं कहा जाता है? उन आतंकवादियों की मांग क्यों मान ली गई? अगर बीजेपी उनको आतंकवादी कह रही थी, देशद्रोही कह रही थी, खालिस्तानी कह रही थी, तो उनकी मांगे क्यों आपने मान ली? उनको किस क्यों उन पर सजा नहीं आपने की? क्यों? क्योंकि आप जब डरते हैं, जब आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई खड़ा हो गया, तो आप वो प्रक्रिया करते हैं जो अमूमन राजनीति में चलन में नहीं था। कुछ राजनीतिक दल जो ताकतवर राजनीतिक दल रहे, कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल किया, और कांग्रेस से कई गुना ज्यादा इस्तेमाल बीजेपी कर रही। विरोध इस बात का है, आपको आईटी के छापे मारने, आपको समाजवादी पार्टी पे छापे मारने, आपको ये प्रक्रिया नितंत चलनी चाहिए। और सिर्फ पैसे का हेर फेर क्या समाजवादी पार्टी के ही नेता कर रहे हैं क्या आपकी नजर में, या जो समाजवादी पार्टी या जो आपसे सवाल पूछ रहा वही कर रहा है? आपको तो आईटी के छापे उन लोगों पे भी मारने चाहिए जो भाजपा पे अरबपति लोग हैं, उन्होंने भी तो पैसे का आवागमन इधर उधर कुछ किया होगा डिस्टर्बेंस, या आप क्लीन चिट उनको दे रहे हो। खैर, इन सारी बातों पे पटाक्षेप करते हुए मैं एक ही बात त्यागी मुद्रा कहूंगा आपसे कि समाजवादी पार्टी के मुद्दे जीवंत हैं,
हम महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार और जो उत्तर प्रदेश में कुशासन है, जो ये रावण राज उत्तर प्रदेश में आ गया, इन सब पे लड़ाई लड़ेंगे। हमें इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन आक्रोश इस बात का है कि आप जिस तरीके से पुलिस को भेज रहे हो, अरे आईटी के लोग छापे मारने जाएंगे, इनकम टैक्स के मारने जाएंगे कि किसी के घर पे जाके चार गाड़ी पीएससी खड़ी कर दोगे? कोई इस तरह का आप इस तरह से जब समर्थक वहां पर पहुंच जाते हैं, हंगामा करने लगते हैं, तो सुरक्षा का भी तो ध्यान रखा जाएगा ना मनोज? कोई नहीं, कहीं कोई कोई ऐसा है, देखिए पूर्वांचल की राजनीति के बारे में सबको नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे जहां पे जो स्थिति बने उस पे आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट, इसीलिए मैं आपके डिबेट में ही क्लियर कह दे रहा हूं कि एकतरफा कार्रवाई क्यों, एकतरफा इस तरह की जांचें क्यों? आपको और कोई व्यक्ति जांच करने के लिए नहीं मिला? कितने घोटाले हो गए आप कोरोना काल के दौरान, कितने घोटाले हुए हैं? पीपी किट घोटाला, सारे घोटाले किसके यहां आपने छापे मारे? क्या उन पे छापे नहीं बनने चाहिए थे? जिस तरीके से पैसे का लेन देन, पंचायत के चुनाव, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, लखनऊ के जिला पंचायत अध्यक्ष जो बीजेपी के समर्थन से लड़ा उसकी रिकॉर्डिंग है, उसने कहा हमने 1-1 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो फिर क्या तब आपने क्यों नहीं आवाज उठाई मनोज जी? तब आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? मैं आपको बता रहा हूँ, सारा सब कुछ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। क्या बीजेपी के कान नहीं है, आंखें नहीं है, मुंह नहीं है, क्या नहीं है? आप मारो छापे जो 1-1 करोड़ रुपए देके सदस्य खरीद रहे थे, क्यों नहीं मार रहे हो छापे आप उन पे? क्यों नहीं मार रहे हो? इसलिए कि वो बीजेपी से है, इसलिए छापे नहीं मारना चाहते हो? इस बात का आक्रोश है। और बाकी हमें डर इस बात का नहीं है, हमारे कागज कंप्लीट हैं। और 5 साल से 7 साल से जो देश को लूट रहा है, छुपा के रखे वो, हम तो समाजवादी लोग हैं, जितना काम किया उसका हिसाब दे दिया, एक्सप्रेसवे, लैपटॉप, मेट्रो, सबका हिसाब दे दिया, सबकी जांचें हो गई, जेपीएन सेंटर बना उसका भी जांच आपने करा ली, हर तरीके से जांचें हो गई। कुछ जवाब देंगे अब आप? आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर मनोज जी के पंचायत चुनाव में पैसे का लेन देन हुआ था। नहीं, मैं बताता हूँ, मनोज जी की बेचैनी स्वाभाविक है, मनोज जी की परेशानी, दर्द बहुत स्वाभाविक है। देखिए अपराध हमारा दर्द कुछ नहीं, हम पे है भी नहीं कुछ ना। सुन लीजिए मनोज जी, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। देखिए उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अपराध की जड़ों को खत्म किया गया, उसकी सबसे बड़ी परेशानी अगर किसी को है तो समाजवादी पार्टी को है। और सत्ता की क्या बेचैनी होती है पाने की, हाथरस में रेप होता है, हत्या होती है, स्पष्ट छलक रही है। भारतीय जनता पार्टी को आपने क्या किया, गिरफ्तार कर लिया क्या? उत्तर प्रदेश में 43 लाख बेघरों, अजय मिश्रा टेनी कौन है? सरकार देती है, अजय मिश्रा टेनी कौन है? 61 लाख लोगों को नहीं, गौरव जी आप कह रहे हैं सत्ता पाने की जो बेचैनी है वो दिख रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को बहुत ज्यादा बेचैनी हो गई है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है, उससे बीजेपी डर रही है। उनका मंदिर बनता है तो ये विकास के दायरे में आता है, समाज के दायरे में आता है, समाज के विरोध के दायरे में नहीं आता। इन लोगों ने जिस प्रकार से सरकार चलाई थी, और मेरा ऐसा मानना है आज का जो विषय है पूरी तरह से कानूनी है, वैधानिक है, इन्हें परेशानी क्या हो रही है? अगर वो सच होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे गुंडों की फौज भेजने की क्या जरूरत है? वहां जो सरकारी एजेंसियां काम कर रही है उनको करने दिया जाए, अगर वो सच होंगे तो कोई उनको नहीं बोलेगा। आज उनको इस विषय को लेकर के इतना परेशान होने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता है। हाँ गलत होंगे तो वो भी पटाक्षेप होगा, वो भी जनता के बीच में आएगा, जनता फैसला करेगी। 2022 बहुत दूर नहीं है, मुझे लगता है कि थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार की बेचैनी और बदला लेने की एक मानसिकता इन लोगों के दिमाग में पनप रही है, ये बहुत ही घातक है। जिस तरह से आपने देखा पश्चिम बंगाल में लगभग 1 लाख से ज्यादा परिवारों को बेघर होना पड़ा, इस तरह की मानसिकता से उत्तर प्रदेश के अंदर में राजनीतिक विद्वेष पाल करके रखी है समाजवादी पार्टी। आप कल्पना कर सकती हैं कि किस सोच के लोग हैं। यही वजह है कि इनके विधायकों के क्षेत्र में 70% से ज्यादा संगीन अपराध इनके विधायकों और मंत्रियों के क्षेत्र में हुए थे। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसको भारत उत्तर प्रदेश की जनता ने अभी तक भुलाया नहीं है। इनके भय आतंक को आज तक प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और आज ठीक है, आप आरोप तो लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के समय में ये हुआ, लेकिन बीजेपी में भी कोई कसर नहीं रही है। 2017-2019 में धता बताया है, 2022 में भी वही स्थिति करेगी। ठीक है मनोज जी, लास्ट कमेंट आपका चाहूंगी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, जल्दी से खत्म कीजिएगा। देखिए मैं ये कहना चाह रहा था कि जो उत्तर प्रदेश के गुंडे हैं उन पे दरअसल में सरकार ने आधे गुंडों पे कार्रवाई की। समाजवादी पार्टी ये कह रही है जिन्होंने हत्याएं की, साजिशें रची और जिन्होंने अकूत संपत्ति जमा कर रखी है नेपाल से तस्करी करके, उन पे भी बुलडोजर चलेगा, उन पे उनके भी मकान गिराए जाएंगे, उनको भी सजा होगी। यही तो समाजवादी पार्टी कह रही है। आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हो, समाजवादी पार्टी दो तरफा कार्रवाई करेगी। जो
समाजवादी पार्टी के भूमि को ग्रहण करने वाले होंगे, भूमि कब्जा करने वाले होंगे, अकूत संपत्ति बनाएंगे, उनपे तो कार्रवाई होगी होगी। छोड़े वो भी नहीं जाएंगे जो बीजेपी के स्कूल बने हैं, उनके भी अगर आजम साहब की यूनिवर्सिटी गिरी है तो उनकी यूनिवर्सिटी भी नहीं बसने वाली जो गोरखपुर में बनी है। क्यों? क्योंकि अवैध जमीन तो उसमें भी है। जैसे जांच होगी निकल के आएगी तो गिरेगी तो सबकी। मनोज जी ठीक है, ठीक है, चलिए मनोज जी और गौरव जी और शुभम आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो ऐसे में आज आपको बता दें सुबह से ही 7 बजे से उत्तर प्रदेश में अखिलेश करीबियों पर ताबड़तोड़ यहां पर छापेमारी की जा रही है और टीमें पहुंच रही हैं लगातार 4 जिलों में। ये छापेमारी अब तक आयकर विभाग की जा चुकी है, लेकिन अब भी जानकारी ये मिल रही है कि कई और नेता इस लिस्ट में शामिल हैं जिनके घर पर ये छापेमारी की जा सकती है। लेकिन ऐसे में साफ तौर पर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि समाजवादी पार्टी की जीत होने वाली है 2022 में, उससे बीजेपी बौखलाई हुई है, बेचैन है, इसीलिए इस तरह का कदम उठा रही है। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।